जिसे इंसानियत का खून बहाना अच्छा ही नहीं बल्कि शौक बन गया है, उस जालिम का नाम है डाकू ददुआ। जब्बार आ रहा है। आने दो आरामजादे को। सरदार मुझे माफ कर दो, मैं आपको बिना बताए गांव में कुछ सूचना लेने चला गया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सरदार, मुझे माफ कर दो सरदार जी। कुत्ते, हमारी मर्जी के बगैर तो जंगली जानवर भी शिकार नहीं करते, तू तो फिर भी इंसान है, तुझे माफ कर दूं। आराम दादे, तू मुझसे माफी मांगता है, तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। ये ले माफी, ये ले। माफी, माफी और ददुआ से, माफी भगवान या इंसान से मांगी जाती है, शैतान से नहीं। शैतान है ददुआ, शैतान। मक्का मक्का डाकू जी, राम राम। बोल बे लाला, बोल क्या खबर है। मक्का मक्का इसको भूत से डाली, डर के मारे गला सूखा जावे। तू साले लाला बड़ा कमीना है तू। अरे ओ ननवा, पानी पिला लाला को। मक्का मक्का एक खबर लाया हूँ। एक मिनट आपको जी। ले लाला, पानी पी। अरे झुक झुक की हो ननवा। मक्का मक्का आपका दुश्मन रघुनाथ इस गांव में वापस आ गया है। वाह लाला वाह, क्या खबर लाया है तू। मक्का मक्का आपका आशीर्वाद हो और ये गर्दन सलामत रहे तो ऐसी खबर रोज लाओ। सुन बे वाह लाले लाला, जब तक हमारा हाथ तेरे सर पर है तेरी कोई गर्दन तो क्या तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। झुक झुक दिया डाकू जी, झुक झुक दिया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मक्का 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 बिजली। क्या है? हमारा पुराना दुश्मन रघुनाथ आ गया है गांव के अंदर, अब उसके घर की नालियों में पानी नहीं खून ही खून बहेगा। सुन रहे ननवा, इस लाश को उठाकर कहीं पहाड़ी में डाल दे, कुछ चील कौओं का पेट भर जाएगा। हुकुम सरदार। तुमने बड़ा अच्छा ही खाना बनाया भगवान, मजा आ गया खाना खाने में। बस तुम्हें ददुआ, तू ददुआ, तू ए रघुनाथ, तू बहुत अच्छा खाना खाता है रे। तू भी खा ले ददुआ, तू भी खा ले। नहीं रघुनाथ, ददुआ भूखा नहीं प्यासा है, प्यासा। और ददुआ की प्यास तेरे परिवार का खून पीकर ही बुझेगी। रघुनाथ क्या रघुनाथ, क्या कटीली लुगाई है तेरी, क्या बात है रघुनाथ, तकदीर का बादशाह है तू। ला बे ननवा ला, बोल बे रघुनाथ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, हाथ से कटेगा, हाथ बाकी हाथ हाथ काट डालूंगा। बोल, पति को छोड़ दे। मैंने कहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा या वहाँ से कटेगा या गर्दन से कटेगा। मुझे नहीं तो मैं तुझे मार।
छोड़ दो, मेरे पति को मत मारो। रघुनाथ छोड़ दे, रघुनाथ। छमिया ये तो गया, अब किसके लिए रोटी बनाएगी? चल मेरे लिए रोटी बनाना, रानी बनाकर रखूंगा। कुछ पे थू है ददुआ तू। चलो इनकी कहानी तो खत्म हुई, निकलते हैं यहाँ से। गाँव वालों, अगर दद्दुओं के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो उसका अंजाम भी यही होगा। अब सोचना हमारे हाथ में है, जिंदगी चाहिए या फिर मौत। चल बे नलवा। बात है, क्या सोच रहे हैं आप? लक्ष्मी, सोच रहा हूँ, गांव गए बहुत दिन हो गए और सिमरन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। तो क्यों ना गांव चला जाए? हाँ सच पापा, हम गांव जाएंगे। भाई वाह, गांव जाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा ना, चाचा चाची मामा मामी सबसे मिलना होगा ना पापा। गाँव के लोग जय भैया मैंने सुना है बहुत अच्छे होते हैं ना, क्यों मामा? हाँ जी जय सही कह रहा है, यहाँ पर रहते हुए हमें अपनापन कभी नहीं मिला है और गांव के लोग सीधे साधे, उनके अंदर अपनापन होता है। तो ठीक है, क्यों न कल ही चला जाए। भाई वाह, मजा आएगा पापा वहाँ पर। जय भैया, चाचा का घर आ गया। चाचा हम लोगों को देखकर कितने खुश होंगे ना। हाँ बहुत खुश होंगे दीदी। जय बेटा, सामान निकालो। जी पापा। चलो सिमरन बेटा। जी मामा। हाँ पापा आया। अब तो उनके हिस्से की जिंदगी हमें जीनी है। चंद दिनों बाद तेरी बहन की शादी है बेटे, तब तक तो तुझे रुकना ही होगा। पर पापा, सुनी सुनी सी हवेली, चाचा की चीख मेरे कानों में गूंजती है पापा, उनकी चिता की उठती आग की लपटें मेरे जिस्म को जलाती रहती है, एक एक पल मेरे दिमाग की नसें फटती जाती है। मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकता। चलो बेटे घर चलकर बात करेंगे, चलो। मक्का मक्का डाकू जी, राम राम। मक्का मक्का सारी मौत का सामान। जल्दी जल्दी बोल लाला। मक्का मक्का सारी मौत का सामान तैयार हो गया है। अबे लाला, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? तू नहीं जानता ददुआ खुद मौत को उकसाता है। इस धरती पर भगवान नहीं, ददुआ तकदीर लिखता है। ददुआ मक्का मक्का, यूं क्या होगा? रघुनाथ का भाई इमरान गांव में आ गया और गांव वालों को आज ही पहुंचाना शुरू कर दिया। मक्का मक्का मेरे आका, वो अकेला नहीं, नक्की
साफ साफ बोल लाला। मक्का मक्का ऐसी दिखे जैसे आसमान पे कोई परी आ गई है। ये होटलों पे जीप फेर के जब चले हैं तुम्हारे दिल पे भी बिजली गिर पड़े है। अरे मक्का डाकू जी जब देखोगे तुम दीवाने हो जाओगे राम कपूर। अबे अबे लाला अगर शिवनाथ की बेटी इतनी खूबसूरत है तो कसम उसकी जवानी की उसकी जवानी के समुंदर में जरूर गोते लगाएंगे लाला। तू चिंता मत कर। बच्चा बच्चा डाकू जी मारा विधान किया। अबे लाला कहीं ऐसा ना हो कि गोता लगाने के चक्कर में तू खुद डूब जाए। अबे लाले अपनी आलू देखिए। गोता लगाएगा वो भी इस उम्र में। बहुत मजा आया चाला। मक्का मक्का डाकू जी हमने भी खूब गोते लगाए जवानी में। अरे हुस्न के दरिया में गोते लगाने में माहिर रहे हैं। मक्का मक्का हम भी पूछ लेंगे डाकू जी। बाकी लोगे लाला मुझे भी गोता जरूर लगाएंगे। चुप चुप ये डाकू जी। अच्छा हम चलते हैं राम राम डाकू जी। अच्छा बाकी लोगे हमारी भी राम राम। इतने दिनों के बाद आई हो सिमरन। गांव में सब कुछ बदल गया। छोटे छोटे पेड़ भी अब बड़े हो चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। आओ ना सिमरन मेरे पास बैठो ना। और थोड़ा पास आओ ना यार। झूठे कहें कि बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या तुम्हें मेरी कभी याद भी आई? ऐसा नहीं। और नहीं तो क्या तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती? क्या तुमने एक बार भी कभी फोन किया? अरे फोन हाँ फोन। सच बताओ राजा तुम्हारी याद में एक एक पल मैंने कैसे काटा है। अपना हाल भी कुछ ऐसे ही है सिमरन। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी यादें सच बताऊं तो हर लम्हा तुम्हारी याद में गुजारा है। सच बताऊं राजा मैं जब भी शाम को आसमान में चांद को देखा करती थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। और सिमरन जब तन्हाई में मुझे तुम्हारी याद आती थी मैं इस तस्वीर को अपने सीने से लगा लेता था। सजनी प्यार की दुनिया बसा ले सजना मुझको तू गले से लगा ले सजना। प्यार की दुनिया बसा ले सजना मुझको तू गले से लगा ले सजना। शादी वादी मुझसे रचा ले सजनी घर में संग तू बसा ले सजनी। मुझसे रचा ले सजनी घर में संग तो बसा ले सजनी। प्यार की दुनिया बसा ले सजना मुझको तू गले से लगा ले सजना। अखियों से अखियां लड़ा ले सजनी मुझको तू अपना बना ले सजनी। प्यार की दुनिया बसा ले सजना मुझको तू गले से लगा। बूढ़े खुसर तुझे मुझे छेड़ते शर्म नहीं आती? मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। बेटे तो नहीं कमीने कुत्ते। चल यहाँ से जाता है कि नहीं? अरे चल भाग भाग यहाँ से और कटीली भाग। अरे मेरी सांस बुझा दे कटीली भाग। बताऊँ कैसे छेड़ते भाग भाग कमीना कंटा। चल भाग बुझा दे सर। चल भाग किस भाग भाग नीचे तेरे टांगे तोड़ दूँगी। बुझा दे कटीली। चल भाग मेरी सांस बुझा दे। अरे बुझा दे कटीली। अरे मान जा भाग यहाँ से मान जा भाग। अरे भाग नहीं तो मार डालूँगी। अरे नतगत कटीली मेरी प्यारी कटीली मेरी टोपी टोपी तो नहीं खड़ा मैं तेरी बेटी की टोपी। चल भाग तू भाग यहाँ से कमीना कंटा। चल जा आइए।
राजा, तुमने मुझे यहाँ अकेले में किस लिए और क्यों बुलाया? सिमरन, बातें अकेले में करने की थी। पर ऐसी क्या बात है राजा? सिमरन, हमारी जो शादी हो रही है, क्या तुम उससे खुश हो? हाँ, पर क्यों ऐसी बातें पूछ रहे हो? क्योंकि सिमरन, शादी एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होती है। अगर दोनों पहिए ठीक हो तो जिंदगी के सफर का पता ही नहीं चलता, और एक पहिया सही और एक गलत हो, घर घर नहीं नरक बन जाता है। पर ऐसी क्या बात है राजा? क्योंकि तुम शहर की एक पढ़ी लिखी और मैं गांव का। तो क्या हो गया, मुझे गांव से शादी थोड़ी ना करनी है, तुमसे करनी है। और पता है राजा, जब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो उसे अपने भगवान की तरह पूछती है, और मेरे लिए भगवान तो तुम हो। और मैंने तो तुम्हारी याद में पूरे 20 साल गुजारे हैं कि कब तुम आओगे और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जाओगे। सच सिमरन? सच राजा। राम राम। वो लाला क्या खबर है? अब तारे तारे आने से कोई फायदा नहीं है। वो लाला क्या बात हो गई? अरे क्या फायदा जब चूहिया चुग गई खेत। लाला पहलिया मत बुझा, सिद्धि सिद्धि बोला कर, बोल क्या बात है। अरे डाकू जी, सिमरन हाथ से चली जाएगी आपके। आज उसकी शादी है और वो भी रघुवीर के बेटे राजा के साथ। उसका बेटा राजा क्या बता है राजा? इसका निवाला कोई कैसे खा जाएगा साधे? तू कल कहां मर गया था? तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा साले लाला। निकलने की तैयारी करो, हाथ आगे बढ़ाओ। हरि ओम गणानंत्वा गणपति गो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुण्य आचमन कीजिए। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानुता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सर्वप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। पृथिव्यां स्वाहा, दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाइए, चलिए अग्नि के फेरे लीजिए। ओम गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जंबो फल चारु भक्षणम मासुतम शोक विनाशकारकम। वर को वरमाला डालिए, पर भी वधु को वरमाला डाले। कुल सियावर रामचंद्र की जय।
फूल रोए माँ भी रोए रोए बहना भाई बाबुल रोए माँ भी रोए रोए बहना भाई बाबुल से मैं की जुदाई बाबुल से मैं की जुदाई आँखों में आंसू लाए बाबुल रोए माँ भी रोए रोए बहना भाई बाबुल रोए माँ भी रोए रोए बहना भाई बाबुल रोए माँ भी रोए रोए बहना भाई बाबुल से बे की जुदाई बाबुल से की जुदाई आंखों में आंसू लाए ओ आंखों में आंसू लाए ओ आंखों में आंसू लाए ओ आंखों में आंसू तुझसे वादा किया था ना कि हम तेरे घर में भुजिया मनने नहीं देंगे देख हम अपना वादा निभाने आ गए माँ के लौंडे शिवनाथ ददुआ जो तुम्हें चाहिए ले ले लेकिन इस खुशी में गम मत डाल अबे मुझे तेरी लौंडिया चाहिए लौंडिया मोहब्बत से देगा तो ठीक दुश्मनी से देगा तो ठीक ददुआ होश में बात कर बोले लौंडिया को छोड़ के सभी आदमियों को गोली मार दो छोड़ मुझे छोड़ हरामजादे छोड़ मुझे छोड़ देंगे मेरी जान अरे ज्यादा चिल्ला मत मटक मटक के तू भी गोते लगा ले मक्का मक्का ऐसे पड़े रहे तू आओ मेरे प्रभु मक्का मक्का अरे डाकू जी मक्का मक्का हो गए कभी कभी आता है डाकू जी तो लाला एक शेर सुन सुनाइए महका महका सा गुलाब खिल गया इस दुनिया में जवानी को हुस्न का जवाब मिल गया आसमान में घटा घनघोर छाई थी मगर ददुआ को फिर भी मेहताब मिल गया जी हाँ। तो लाला हो जाए जश्न जी हाँ डाकू जी बिजली गिरा जाओ बिजली लाला आज तेरी ये तमन्ना भी पूरी कर देते हैं तबीयत खो बिजली
सबकी तबीयत खुश। बाहों में छुप जा तो मेरी बिजुरिया, कहीं तुझको लगे ना किसी की नजरिया, कहीं तुझको लगे ना किसी की नजरिया। जो तुझको तो मांगे न पानी, हो मत होश है ये तेरी जवानी, चूले जो तुझको तो मांगे न पानी, सबके बदन पे तू बिजली लगाए, तू जो ये अपनी कमरिया हिलाए। तुझको लगे ना किसी की नजरिया, ओ मेरे बाके सवरिया, उठा दे चुनरिया। कहीं तुझको लगे ना किसी की नजरिया।
चलो दीदी, संभल के। साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई, तुम शिवनाथ की बेटी हो ना? हाँ साहब, ददवानी। ठीक है ठीक है, मैं सब समझ गया। और तुम कौन? मैं इसकी सहेली कटीली हूँ। अच्छा। अरे पांडे। यस सर। इनकी रिपोर्ट लिखो। जी सर। अब तुम जाओ जाओ। कटीली। अरे हमारी हिरासत में, घबराने की कोई बात नहीं। ददुआ के हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप बैठिए ना, बैठो। ए पानी ला रहे। अरे लीजिए ना मैडम पानी। अरे घबराती क्यों हो, लो ना। देखो तुम्हें यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमारी हिरासत में हो। साहब क्या पटाखा चीज थी, कितना मजा आया। अरे कमाल की चीज थी यार, तुम्हें मालूम है उसने पूरा शमा बांध दिया। साहब मजा आ गया होगा। जाओ अब उसे ठिकाने लगा दो। ठीक है। अच्छा करीम, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं वजू करके आता हूँ। जी भाईजान। कौन है ये? ए लड़की, ए करीम खान। जी भैयान। इधर आ रहे। क्या हो भैयान? इसको उठा रहे। जी पानी सुटा के बाहर ले चल। जी जी उधर उधर को पकड़ना। माल के लिटाना रे। करीम। हाँ भाईजान। जाओ वैद को लेके आओ। जी भाईजान। आइए वैद्य जी, जरा उसे देखिए। क्या हुआ वैद्य? सबीर खान, लड़की को काफी चोटें हैं जिसकी वजह से इसके चेहरे पर सूजन आ गई है। कुछ दवाइयाँ भेज देता हूँ, टाइम टाइम पर देते रहना। वैद्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। करीम खान, वैद्य जी को गांव में छोड़ गया। जी भाईजान। चलिए। हे भगवान, ये मैं कहां पर आ गई हूं? ठाकुर के बीच में। हाय भगवान। देखिए देखिए मुझ पर
रहम खाइए, मुझ पर जुल्म मत ढाइए, मुझे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। मुझे गलत मत समझो, शायद तुम मेरे लिबास से डर गई हो। अतो से तो ऐसा लगता है कि आप एक नेक दिल इंसान हो, पर मैं आपकी बातों पर भरोसा करूंगी तो कैसे करूं? खूंखार भेड़िए की शक्ल में बैठे आपके ये लोग और चारों तरफ लटके खेमे में ये बंदूकें, आप ही बताइए मैं क्या समझूं? ये तो आपकी समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आप जाओगी कहाँ? कहाँ जाऊंगी मैं, दरिंदों ने तो मिलकर मेरी जिंदगी की सारी खुशियां ही छीन ली है। अब तो जीने के लायक कुछ है ही नहीं, अब तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। नहीं, जीने का मकसद अब बदल गया है। क्या तुम यही चाहती हो कि गांव की और लड़कियों का हश्र तुम्हारे जैसा हो और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं? मैं मजबूर, बेबस, बेसहारा लड़की किसी के लिए क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो, अब तुम बेसहारा नहीं हो, अब तुम्हें दूसरों का सहारा बनाएगा ये शब्बीर खान। लो, संभालो ये बंदूक। मैं इसे कैसे संभालूं? मुझे तो ये चलानी तक नहीं। चलाओगी? शब्बीर खान सिखाएगा तुम्हें इस खिलौने से खेलना। कल से तुम्हारी ये ट्रेनिंग शुरू। अपने जुल्म का बदला लूंगी, दुनिया को ये दिखला दूंगी। अपने जुल्म का बदला लूंगी, दुनिया को ये दिखला दूंगी। साहब, काली को मैंने गांव के बाहर देखा है। अकेली? हाँ। क्या उसके साथ कोई और? नहीं सर, अकेली है, लगता है किसी का इंतजार कर रही है। आज उसको इंतजार कराता हूँ, चलो देखता हूँ। इलामत, नहीं तो छह की छह गोली अंदर उतार दूंगा। इंस्पेक्टर, जब गीकड़ की मौत आती है ना, तो वो जंगल छोड़ के गांव की तरफ भागता है। लो काली, सवाल अपने शिकार को। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो काली। चलो हरामजादे, उठ, उठ, उठ। मार हरामजादे को काली, मार, छोड़ना मत हरामजादे को। लाइए वर्दी मुझे दे काली। इसे पकड़ो शब्बीर खान। तुझे मैं माफ कर दूँ, हाँ, माफ कर दूँ, मिल ही। तू माफी के लायक है, हाँ? हरामजादे, ले ले अपना बदला आज इससे। ले ले, मार हरामजादे को। बेटे की इज्जत लूटता है, तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी है। भाग, भाग, नहीं तो गोली मार दूंगी।
वर्दी पहन के गंदा काम करता है। ये ले। कुत्ते उठ, उठ कुत्ते, उठ, चल भाग। काली मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। भाग कमीने। ले काली, अकल बंदूक। लगा निशाना अपने शिकार। भाग। कितनी दूर भाग के जाएगा तू हाँ? मार काली। मर गया साला हराम सादा। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा कमाल है मजा बांधेगी कसम से इसकी संतले तो देख मेरी जान। नमस्ते दीदी। नमस्ते कटी, कैसे आना हो? गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक है। तेरे हाथ में क्या है? देखो आपकी फोटो अखबार में आई है। शब्बीर खान। हाँ काली। ये देखो सरकार ने काली पर पूरे 70,000 का इनाम रखा है। मुबारक हो काली, दिन प्रतिदिन नाम कमा रही हो। नहीं शब्बीर खान, जब तक काली ददवा को मौत के घाट ना उतार दे काली को मौत भी नहीं छू सकती। और ये पुलिस वाले, ये मुझे तब तक पकड़ नहीं पाएंगे। आओ आओ दीपक आओ, आज हमने तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाया है। सर तुम एक काबिल अफसर हो, हमारे डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है। हम तुम्हें एक बहुत जरूरी काम से थाना शेरपुर भेज रहे हैं। वहाँ एक डाकू है ददवा, सुना है जो भी वहाँ गया है या तो ददवा का हम प्याला हो गया या फिर गोली का शिकार, और सुना है कि ददवा के साथ कोई काली नाम की दस्य सुंदरी भी है, और तुम्हें अपने मिशन में हर हाल में सफलता मिलनी चाहिए। लो ये फाइल संभालो। मुझे यकीन है ये अपना काम बखूबी निभाएगा। कौन है बे? तो ये है तुम्हारी ड्यूटी सर। तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड कर सकता हूँ मैं, लेकिन आज मेरा यहाँ पहला दिन है और मेरे काम करने का तरीका अलग है। अपने आप में सुधार कर लेना, समझे? सर आइंदा कोई गलती नहीं होगी। चलो अपनी वर्दी ठीक करो। जी सर। समझ नहीं आता मैं इन लोगों को क्या करूं। इन जैसे लोग पुलिस में भर्ती कैसे हो जाते हैं? शायर होते हैं ये गांव वाले किस काम आएंगे?
रोटी और रोटी बनाने वाली दोनों ले आते हैं। आज ददवा के आदमी भूखे, जो भूख लगने पर इंसान को भी खा जाता है। चिंता मत करो, रोटी और रोटी दोनों मिलेगी। आज की शाम ठाकुर के नाम, ठाकुर के नाम आज की शाम। बेटा वो भी पुराना हो जाएगा या फिर हमारा दीवाना हो जाएगा। दीवाना हो जाएगा ये तो ददवा का निशाना हो जाएगा। जय हिंद सर, ये रही फाइल सर, बैठो। थैंक यू सर। कब से हो तुम यहाँ पे? सर पिछले 6 महीने से। तब तो तुम्हें यहाँ के हालात के बारे में काफी कुछ पता होगा। सर बहुत अच्छी तरीके से, मैं सभी घटनाक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्ते सर। तुम कौन हो? इस अखबार का होकर मैं ही हूँ, थाने में अखबार मैं ही लाता हूँ। तुम जा सकते हो। ठाकुर रघुनाथ और उसके भाई शिवनाथ, ददुआ और काली के बारे में तुम क्या जानते हो? ठाकुर रघुनाथ इस गांव के सरपंच थे और शिवनाथ उनके छोटे भाई थे। सारा गांव सरपंच की इज्जत करता था, मगर एक दिन कमीना ददवा ने उनके परिवार की बेरहमी से कत्ल कर डाला और उस कमीने डाकू ददवा ने शिवनाथ के पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला और सिमरन को उठा ले गया। अब तुम चारों तरफ मुखबिरों का जाल फैला दो, हमें ददवा चाहिए जिंदा या मुर्दा। गांव वालों, मैं ददुआ के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई लड़ने आया हूँ और आप लोग खुले दरवाजे चैन की नींद सो सके, अपने खेतों पर बेखौफ काम कर सको। मैं पहले वाले इंस्पेक्टर की तरह नहीं हूँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जब तक गांव वालों को डाकुओं से मुक्ति नहीं दिला देता, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। ददुआ के ठिकानों के बारे में कुछ बता सकते हो तुम लोग? साहब बड़ा ही खतरनाक आदमी, शक होते ही गोली मार देता है। अब वो किसी को नहीं मारेगा। काली और शब्बीर के बारे में तुम लोगों को कुछ जानकारी है? साहब काली तो कहने के ही डाकू है, नहीं तो बहुत दयालु है। शब्बीर खान और काली ही हमें ददवा से बचाती है। जैसे ही तुम लोगों को ददवा के बारे में कुछ खबर मिले फौरन ही चौकी में आकर बताना। तुझे मालूम है तेरी मौत कब होगी? अरे नहीं डाकू जी, मेरी जिंदगी मौत तो अरे हाथ में है, पर मैं नहीं कहूँगा। पता पता है जो मैं इंस्पेक्टर आया है ना आपके खिलाफ गाँव वालों को बता रहा है, मुकाबला करो। पता पता डाकू जी, अरे अरे इंस्पेक्टर का राम राम सत्य नहीं बोला गया तो हम सबका राम राम सत्य हो जाएगा, इसीलिए उसे मार डालो। अरे कम से कम मेरी दुकान से एक कफन तो बिक जाएगा और फिर मैं आपको सलामत देखना चाहता हूँ। अरे कम से कम इस बहाने आपकी जूते तो मिल जाती है। अरे ओ नंदवा,
सरदार। उस पुलिस वाले की कमजोरी का पता तो लगा। जय हुकुम सरदार। लाला को बाहर तक छोड़ गया। कई गांव वालों के दिल में मेरा खौफ कमला हो जाए। इस खराब जाते पिक्चर की बड़ी छोटे नमस्ते दीदी। नमस्ते कटीली। और गांव में सब ठीक ठाक है? वैसे तो सब ठीक है। कल रघुवीर की बेटी की शादी है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। लाला ने ये खबर ददवा को दे दी थी होगी। नहीं कटीली, रामकुमार से कहना कि चिंता करने की कोई बात नहीं, ददवा उनके पास तक नहीं पहुँच पाएगा। काली की नजरों से ददवा नहीं बच सकता। उनसे कहना कि वो खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करे। ठीक है कटीली। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। अरे कटीली, चाची जी को 10,000 रुपए दे देना। ठीक है दीदी। करीम खान, कटीली को 10,000 रुपए दे दो। ठीक है काली। कटीली, चाची से कहना कि उनके बेटे का जो ऑपरेशन था उनमें ये पैसे लगा दे। अगर जरूरत पड़े और पैसों की तो वो मुझसे और रुपए मंगवा सकते। अच्छा दीदी। अरे तू पानी वानी पी ले कटीली। नहीं मैं पी के आई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। तू ठीक है? और कोई बात तो नहीं है? सब ठीक है। ठीक है कटीली जा। अच्छा प्रणाम। प्रणाम। मक्का मक्का दासू जी, राम 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 राम। मैं कहाँ मर गया था? तू नानी के आ गया था? मेरी नानी भी है। मतलब बच्चों की नानी के आने। लाला तू बहुत कमीना है। खैर काम की बात क्या और क्या खबर है? सुनाया हूँ दासू जी, आज गाँव में रामकुमार की बेटी। रामकुमार? रामकुमार की बेटी की शादी? दहेज तो तगड़ा मिल रहा होगा। सुना है रामकुमार अपनी बेटी की शादी में तगड़ा दहेज दे रहा। ठीक है लाला, हमने भी बहुत दिनों से कोई तगड़ा हाथ नहीं मारा, ये मौका मैं चूकने नहीं दूंगा। फुर्सत तुझे भी मिलेगी लाला। अच्छा लाला, राम राम। ददवा रहा है, अभी गोली मत चलाना। हाँ तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। संभल के, संभल के। कोई भी मिसफायर नहीं होना चाहिए। और पकड़ो पकड़ो। भागो, पकड़ो भागो। पकड़ो पकड़ो। शब्बी खान बोल। आज ददवा भाग निकला साला हरामजादा। काली तुम्हें खुश होना चाहिए, ददवा आज भाग निकला। आज ददवा का भाग जाना इस बात का सबूत है कि वो हमसे कमजोर है। साला तीर दिखाकर भाग निकला। मैंने आज उसके बाजू में गोली मारी है शब्बीर खान। शायद नहीं लगी हो। नहीं शब्बीर खान, काली की बंदूक से निकली गोली कभी खाली नहीं जाती। अब तू आ गई तब ठीक हो जाएगा। अरे दादू जी, मक्का 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 दादू जी, राम 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 राम। अरे दादू जी, इस शेर को चश्मे किसने कर दिया? कहता था लाला, वो सिमरन ही काली है। उसी नागिन ने मुझे जख्म दिया है। वो नागिन बहुत खतरनाक हो गई है लाला, तू बच्चे रहना।
जाएगा साले, और क्या होगा, गोली लगेगी ठिठकियाओ मर जाएगा तू। अरे गीले हो जावे अरे मैं आपको सूचना देता हूँ, अगर मैं मर गया तो आपको सूचना कौन देगा? लाला अगर आदमी बुजदिल हो तो जान नहीं जाती, अगर बचना चाहता है तो गांव छोड़कर भाग जा। रही बात मेरी तो अभी ये ददुआ बहुत सी कालियों को रोकने की हिम्मत करता। करीम खान, लाला का कुछ पता चला है? हाँ पता चला है काली, लाला ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है और अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। नहीं, लाला ने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं बल्कि खुद अपने मौत के हवाले कर दिया है। कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जय काली। लाला साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ, कौन हो तुम? साहब मेरे बच्चे को काले उठा के ले गए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। शांत रह, तेरे बिना बच्चों कुछ नहीं होगा। काली कहाँ है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, काली मेरे बेटे को जंगल की तरफ ले गई, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वो मेरे बच्चे जी सर, गाड़ी निकालो जल्दी। यस सर। अरे कल आज तो लाला गया। शब्बीर खान, ये वही लाला है जिसने मेरी इज्जत लूटी थी। राम को लाला? नहीं शब्बीर खान नहीं, काली इसे वो मौत मारेगी किसकी सात पुश्ते भी याद रखेगी। अपनी मौत से पानी मांग रहा है लाला। हाँ? चल 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 आज चल मेरे साथ, चल साला हरामजादे, चल तो। काली माफी नहीं देती, काली बलि लेती है। चल हरामजादे, चल 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 लाला, आज तेरी मौत है। चल चल हरामजादे, माफी दे, तुझे माफ कर दो लाला। अरे मुझे माफ कर, तुझे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। आज तुझे वो मौत मारूंगी कि तेरी सात पुश्ते भी याद रखेगी लाला। चल गुड गुड लाला, चल चल तू, चल मेरे साथ, चला उठ उठ। हाँ छोड़, तुमने मुझे उस दिन छोड़ा था जब मैं मिन्नत कर रही थी तुझसे। हाँ अरे बुला अपने दरबा को, इशारे में नाश्ता है। हाँ दादागिरी करता है, माँ बहनों की इज्जत लूटता है। आएगा तेरा दरबा तुझे बचाने के लिए। हाँ मैं भी देखती हूँ। मुझे तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। चलो उठ उठ, काहे गिड़गिड़ा रहा है, उठ साले, अरे उठ उठ, पढ़ो सीधे पढ़ो। नहीं मारूंगी, छोड़ दूंगी। हाँ उस दिन तुमने मुझे छोड़ा था। हाँ छोड़ दूंगी तुझे। हाँ ये ले, छोड़ हाँ उस दिन जब मैं रो रही थी, छोड़ा था तुमने मुझे। चल भाग, मुझे तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगी। वो
पानी उतरा दो। शेरा, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। अगर तदवा को पता चल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बोल बिजली को दीदी। नहीं सरदार। ददुआ को ना सुनने की आदत नहीं। बोल जाने, दीदी मुझे माफ कर दो। बोल माफी मांग सरदार। माफी। नहीं सरदार। बोल दीदी मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। ददुआ ने आज नाक रगड़वाया है। इतनी बेइज्जती, वफादारी का यह सिला दिया। ददुआ, मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तू जिंदा नहीं रहेगा। अब मैं जाके काली को बताता हूँ। देखता हूँ अब बिजली को कौन बचाएगा मुझसे। ददुआ, शेरा ने सही खबर दी है। हाँ शब्बीर खान, तदवा किसी का नहीं हो सकता। उसे आज उड़ा ही देंगे। शब्बीर बम भटका दो। भागो 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 मारो 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 पहले जाने का पकड़ो 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 भाग आराम से। Thank you.
Let's go.